देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार का संदेश अब बड़ों के साथ साथ बच्चों के मन में भी बस गया है, या यूं कहें कि वे भी समझते हैं क्या सही क्या गलत। अक्षय तृतीया के दिन नियम है कि गुड्डे गुड़ियों का विवाह किया जाता है और इस दिन का छोटे छोटे बच्चे बेसब्री से इंतजार करते हैं। अक्षय तृतीया के अवसर पर बच्चों ने सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मिट्टी के बने गुड्डे गुड़ियों की शादी कराई। मास्क पहनकर बच्चों ने पारंपरिक तरीके से मंडप को सजाया और मंडप पर हल्दी खेली और गुड्डे की बारात आई और मंडप में गुड्डी से शादी रचाया। राजनांदगांव जिले की धर्मनगरी डोंगरगढ़ में अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर छत्तीसगढ़ की परंपरा के अनुसार बच्चों के लिए बेहद खास होता है। बच्चों ने एक दूसरे को हल्दी लगाई और ढोल नगाड़े की धुन में जमकर नाचे भी। लॉकडाउन के चलते इस बार किसी के घर नहीं बज रही है शहनाई, उसे देखते हुए बच्चों ने बड़ी धूमधाम से कराई गुड्डे गुड़ियों की शादी। इस परंपरा को निभाने वालों की संख्या कम जरूर है, लेकिन इसका क्रेज आज भी बरकरार है। हालांकि इस बार लॉकडाउन के चलते गुड्डे गुड़ियों की शादी थोड़ी फीकी रही। अक्षय तृतीया के दिन यह परंपरा ग्रामीण अंचलों में ही नहीं शहरों में भी देखने को मिला। बच्चों ने आसपास के लोगों को निमंत्रण देकर बड़ों को सीख भी दी कि आप जब भी कहीं बाहर जाएं तो बिना मास्क लगाए न जाएं और कहीं दुकानों में सामान खरीदने जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। हमें मोदी सरकार ये कह रहे हैं कि हर वक्त हमें दूरी बनाकर रखना है, इसी प्रकार हम आज गुड्डी गुड्डा का भी शादी दूर बना कर खेल रहे हैं। चुरमाटी, हल्दी तेल, फिर बारात। कितने दिन से कर रहे हैं इसको? इसको 3 दिन, आज तीसरा दिन।